कुर्सी बाहर, कुर्सी बाहर। सर एक ग्रुप पिक्चर का, हाँ एक ग्रुप का, एक भी था, एक भी कर लेते हैं। ग्रुप पिक्चर्स, ग्रुप पिक्चर्स। थोड़ा कम, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। Thank you.
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बोले सो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। इस संयोग जो सारा कैठना बाकी
थैंक यू थैंक यू ऑल द बाइक सिंगल सिंगल तो मारते हैं हम उसको एक से बट एक राइट चेक करो जरा बोलो भाई तू भी तो सेल जुड़ा हुई Let's all pray for this picture. Nanak naam jahaz hai. ये पहले भी बनी सी बहुत 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 बड़ी हिट सी उन तक कलर चले आ रहे हैं मेरे ख्याल ये श्रद्धालुओं वाली पिक्चर है शौकीन बंदे लेनी है मेरे ख्याल श्रद्धालु बहुत हैं हाँ जी सत श्रीकाल चलो माइक से बराबर माइक नीचे लेना बराबर है पापा जी माइक बराबर है नीचे लेना रोलिंग गुलशन जी सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए वापस से रिलीज हो रही है आइकॉनिक फिल्म है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में क्वाइट क्वाइट प्लीज ये नाराज है क्यों नाराज है क्या खुशी की बात है कि एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म एक ऐसी फिल्म जो फिल्म से भी ज़्यादा है नानक नाम जहाज है ये दोबारा से डिजिटल फॉर्मेट में प्रॉपरली रिस्टोर करके बहुत श्रद्धा के साथ में राजू चड्डा राहुल मित्रा वेव सिनेमास दोबारा सिनेमा प्रेमियों के लिए ला रहे हैं फिल्म की जो याद मेरे दिमाग में है मेरे माता पिता ने ये फिल्म देखी थी बहुत साल पहले और मुझे याद है कि सिनेमा के अंदर लोग जूते पहनकर भी नहीं गए थे नंगे सर भी नहीं गए थे फिल्म देखने के लिए इतनी श्रद्धा इतना सम्मान इस फिल्म के प्रति इस फिल्म के अंदर दर्शाई गई भावनाओं के प्रति धार्मिक सीन्स के प्रति ये मेरी स्वर्गवासी माँ की फेवरेट फिल्म है नानक नाम जहाज है तो जैसे ही मुझे मेरे मित्र राहुल मित्रा ने इनवाइट किया कि आज इस फिल्म का एक समारोह किया जाएगा जहाँ पर फिल्म के नए पोस्टर को लॉन्च किया जाएगा मैं पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ फिल्म से मेरा बस इतना ही संबंध है कि मैं फिल्म का एडमायरर हूँ फिल्म नानक नाम जहाज है का एडमायरर हूँ उसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ राहुल मित्रा वेव सिनेमास और उनके चेयरमैन राजू चड्डा को जिन्होंने इस फिल्म को दोबारा से दर्शकों के पास लाने के लिए बहुत प्रयास किया बहुत खर्चा किया और जल्दी ये फिल्म लोगों को दिखाई जाएगी आई थिंक इनके दिमाग में भी मुझे ऐसा लगता है कोई मुनाफा कमाना प्रॉफिट कमाना कोई ऐसी मंशा नहीं है एक हिस्टोरिकल चीज़ को एक आइकॉनिक चीज़ को एक ऐसी फिल्म को रिस्टोर करके लोगों को दिखाना लोगों तक पहुंचाना यही राहुल चड्डा राहुल मित्रा राजू चड्डा और विवेक सिन वे यही राजू चड्डा राहुल मित्रा और वेव सिनेमास की मंशा है मेरी तरफ से इन सबको ढेरों शुभकामनाएं नानक नाम जहाज रिलीज फर्स्ट इन 1969 टू सेलिब्रेट द 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी एज कॉल्ड गुरु नानक नाम जहाज है and it's a great thing that Raju ji has done that he's restored the print and with all color corrections and everything so that people today can enjoy the movie and I think it's a great thing that 46 years later somebody has had the impetus of doing this and I think it's a great cause to do it and my congratulations to everybody and I hope more and more people go and see it आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि फिल्म को दोबारा से री रिलीज किया जा रहा है इस फिल्म एक्चुअली मैंने तो 5-6 साल का जब देखी थी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड विद द मूवी इसने बेसिकली दिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है आजकल की जो जनरेशन है
सबका तो नहीं कहना चाहता, काफ़ी लोग बड़े को इज्जत मानी नहीं करते हैं, इससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को। मेरा तो मेरा एम्फोसिस ये है कि बड़ों का पूरा जो बच्चा या इंसान में माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मैं खाली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़ों की इज्जत करिए, माँ बाप का मान सम्मान करिए। ऑल्सो इस फिल्म के रिलीज से एक चीज़ सामने आई है कि कपूर खानदान के दो जनरेशन आपस में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने वाले हैं। रणबीर कपूर की भी फिल्म उसी दिन आ रही है, तो आपका देयर वाज नो सच इंटेंशन ऑफ एज सच, तो मेरे को पिक्चर रिलीज़ करनी गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव 25 नवंबर को है, मेरे को इधर 20 नवंबर को करनी थी या 27 नवंबर को करनी थी। लोगों ने कहा कि 25 नवंबर से पहले प्रकाश उत्सव होता है, लोग बहुत बिजी होंगे, जा नहीं पाएंगे देखने, प्रकाश उत्सव को दो दिन बाद कर लीजिए, इस करके फ्राइडे 2nd उसके बाद 27 को बता। दिस वॉज द मेन रीज़न, मेरे को आईडिया नहीं था तमाचा रिलीज। थैंक यू वेरी मच। फिल्म है मैंने देखी नहीं है, और जो ओरिजिनल फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट मैंने सिर्फ सुना है, उसके बारे में पढ़ा है काफ़ी कुछ, बट मैंने देखी नहीं है, तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा जब मैं पहली बार इसको देखूंगी और सीधा कलर में देखूंगी। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फैन ऑफ मिस्टर पृथ्वीराज कपूर एंड द एंटायर कपूर फैमिली, सो आई वुड लव टू वॉच इट। एक्चुअली मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट, एंड I'm just happy that you know this kind of things are happening, के जो पुराने ज़माने में बहुत ही इनोवेटिव काम किए हैं लोगों ने और बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं जिनको आज की जनरेशन को पहुँचा रहे लोग, सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू। इट्स ए वेरी नाइस फिल्म, दिस इज जस्ट नॉट अ फिल्म, इट इज़ अ मैसेज ऑल्सो फॉर गुड पीपल, दे ऑलवेज पिक अप गुड थिंग्स। So this is a very good film. I think everybody must see and learn out of it. I still remember it. I was not born, but मुझे स्टोरियाँ सुनने मिलती थी कि जब भी नानक राम जहाज लगती थी तो लोग थिएटर के बाहर चप्पलें उतार के अंदर देखने जाते थे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आज लोग ये करें, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज की जनरेशन भी ये देखें और समझें और इससे कुछ सीखें, बिकॉज दिस इज़ एन एपिक फिल्म। सालों साल उतरती नहीं थी ये फिल्म, लकीली आई बी एबल टू सी इट ऑल्सो। 65 की फिल्म में तो मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था, बट इस बार ज़रूर देखने का मौका मिलेगा। एंड हमारे लिए इनसे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि 3 दिन पहले बेटे की फिल्म रिलीज़ हुई हो और 7 दिन बाद मम्मी की लग रही है, सो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। थैंक यू। और इसीलिए जब ये फिल्म हमने सोचा इसको री रिलीज़ करने के लिए डिजिटाइज करके, तो सबसे पहले हमने सोचा कि निशी जी की ब्लेसिंग्स और इनको आज यहाँ रहना बहुत ज़रूरी था, और ये आए और आज जैसा आप लोगों ने देखा कि हमने नानक नाम जहाज है का पोस्टर रिलीज़ किया है, तो यही चाहूँगा कि इनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को आके देखें। माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद एवरीबॉडी। थैंक यू। अभी प्रेम रतन सरतायो की बात हुई है तो आपने देखी, कैसा लगा आपको अरमान का परफॉर्मेंस? अरमान का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है एंड ही कैन डू मच बेटर देन दिस, बट क्या है कि इट इज टाइम एंड ही विल प्रूव इट, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। He should get a proper role. So can we say Arman is the new bad man of Bollywood? You can say that. I don't mind. I prefer that. I'll be the goodish bad boy. I'll be the white collared bad boy. Well, but he can play both the characters. आपने देखी फिल्म? अच्छी लगी? सबने सब अच्छी लगी ना? बस मेरे लिए यही बहुत है। I think आप सबों का प्यार मिल रहा है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। Keep loving. जितना दे रहे हैं बहुत है, और भी देते रहिए तो और मेरे लिए अच्छा ही है। Thank you. Thank you so much. Thank you. इधर भी दरार।